स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रेस के हमारे मित्र हैं मगर विपक्ष का कुछ दिखाते नहीं है। तकरीबन 2 महीने पहले हमने ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की और आज हम महाराष्ट्र में हैं। दिन भर चले, 6 बजे से चल रहे हैं, 7-8 घंटे चले हैं, 24-25 किलोमीटर चले हैं और हमारे साथ आप सब चले। धूप में, गर्मी में आपने अपनी शक्ति, अपना प्यार इस यात्रा को दिया, इसके लिए मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारा लक्ष्य लंबे भाषण देने का नहीं है। आमतौर से राजनेता घंटों बोलते हैं, हमारा ये लक्ष्य नहीं। हम दिन में 7-8 घंटे चलते हैं और हम सिर्फ मैं नहीं, कांग्रेस पार्टी के सब नेता महाराष्ट्र की आवाज सुनने चल रहे हैं। तो 7 घंटे हम आपकी आवाज सुनते हैं, किसानों से बात करते हैं, छोटे व्यापारियों से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, माताएं बहनों से बात करते हैं। हम कुछ ज्यादा नहीं बोलते, चुप रहते हैं और जो आपके दिल में है वो हम 7-8 घंटा सुनते हैं और अंत में चलने के बाद शाम को हम 15-20 मिनट अपनी बात रखते हैं। बहुत सीखने को मिलता है। सबसे पहले, जैसे आप लोग जानते हो, गाड़ी में चलने और सड़क पे चलना बिल्कुल अलग चीज है। हिंदुस्तान, किसानों का हिंदुस्तान, मजदूरों का हिंदुस्तान गाड़ी में नहीं चलता है, सड़कों पे चलता है, पैदल चलता है। तो अगर उस हिंदुस्तान को समझना है तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गाड़ी से नहीं समझा जा सकता है। अगर हिंदुस्तान को समझना है तो सड़क पे चलना होगा और यही सबसे पहली बात, सड़क की क्वालिटी दिख जाती है, कैसी सड़क है, उस पे चला जा रहा है या नहीं, गड्ढे हैं या नहीं, ध्यान से चलना पड़ता है या आसानी से चला जा सकता है, सब पता लग जाता है, 5 मिनट में पता लग जाता है। स्टेट की हालत सबसे पहले सड़कों में दिख जाती है।
खुशी भी होती है, किसी से मिलो, युवा से मिलो, वो अपने सपने के बारे में बताता है, अच्छा लगता है, पढ़ाई के बारे में बताता है, दुख भी होता है। किसानों की आवाज, किसान की बात सुनकर दुख होता है, छोटे व्यापारियों की बात सुनकर दुख होता है, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, उसका असर कितने साल हो गए, कितने साल पहले की थी, छह साल, तो छह साल हो गए। जैसे सुनामी आती है, मुझे याद है मैं गया था जब सुनामी आई थी, तो सुनामी का एकदम असर तो होता है, मगर सुनामी का सच्चा असर पांच छह साल बाद दिखाई देता है। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन नोटबंदी की, जिस दिन गलत जीएसटी लागू की, उन्होंने हिंदुस्तान पर आर्थिक सुनामी आई। उस समय उन्होंने बोला कि देखो मैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, काला धन मिट जाएगा। पांच छह साल हो गए, सबूत आपके सामने है, काला धन मिट गया, गायब हो गया। नहीं, गुजरात को भैया आपके प्रोजेक्ट जा रहे हैं, वो काला धन अलग है, मगर आपके प्रोजेक्ट जा रहे हैं। जैसे जैसे एयरबस होता है, हवाई जहाज होता है, रनवे से टेक ऑफ करता है, देखा होगा आपने, देखा है ना, वैसे ही एयरबस का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से उड़ता हुआ चला गया, पता नहीं कहां चला गया, कहां गया, क्यों गया, क्यों गया। गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, नहीं वो है किसके यहां गया, वो अलग बात। तो एयरबस का प्रोजेक्ट गया। अच्छा, आपके जेब में मोबाइल फोन है, दिखाओ जरा, ये इसके अंदर ये मोबाइल फोन का प्रोजेक्ट, फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट, ये कहां गया। तो महाराष्ट्र जो आपका है, हजारों करोड़ रुपए, और पैसे को छोड़ो, आपके युवाओं का भविष्य, उनका रोजगार आपके प्रदेश से छीना जा रहा है। ये अब सड़क पे आप युवा से बात करो, मैंने कहा कि इन सड़कों पे अच्छा लगता है, दुख भी होता है। आज मेरी एक युवा से बात हो रही थी, स्वराज नाम, बस लेके आया था अकेला, 3-4 किलोमीटर हमारे साथ मतलब चल रहा था। राहुल जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, राहुल जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, राहुल जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं तो लोग आते रहते हैं, आधा पौना घंटा लगा आया। मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा हूं, जितना इसको शिक्षा के बारे में मालूम था
हिंदुस्तान की एजुकेशन मिनिस्ट्री में सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट को नहीं मालूम। पहली बात मुझे कहता है, राहुल जी मैंने इंजीनियरिंग की है मगर मुझे इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मिल सकती हिंदुस्तान में। मैंने उससे कहा कि अजीब सी बात है, मैं अब कन्याकुमारी से महाराष्ट्र तक आ गया, जब भी मैं युवाओं से बच्चों से पूछता हूं क्या करना चाहते हो, चार ही जवाब मिलते हैं, पांच। पहला IAS, दूसरा इंजीनियर, तीसरा डॉक्टर, चौथा शाबाश, चौथा आर्मी और पांचवा वो आर्मी और पुलिस मतलब एक ही है, उसको एक ही मानते। पांचवा लॉयर, डॉक्टर लॉयर IAS मतलब सरकारी, पुलिस या आर्मी, और कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। तो लड़के ने मुझे बताया, स्वराज ने बताया कि देखो क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि हिंदुस्तान में प्रैक्टिकल शिक्षा नहीं है, मतलब जो भी हम अपने स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं ये पांच काम उससे हो सकता है, उस शिक्षा से हो सकता है, मगर अगर व्यक्ति को, युवा को किसी कंपनी में जाके काम करना है तो जो उसे स्कूल में सिखाया जा रहा है और जो उसको कंपनी में नॉलेज होनी चाहिए, जमीन आसमान का फर्क। ये 16 साल का बच्चा मुझे बता रहा है और ये बात हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स को नहीं समझ आ रही। ये है महाराष्ट्र का कमाल। अच्छा, मैंने खुशी की बात बोली तो दुख की बात भी बता देता हूं। आपने मेरा, मैं आपको बताऊं, आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया। हाँ, दिल तोड़ दिया आपने मेरा, दिल तोड़ दिया। मैं आपको बताऊं, सुनोगे? इसी सड़क पे इतनी बड़ी छोटी सी बच्ची मुझसे मिलती है, 6 साल की 7 साल की, कहती है पहले मुझे ढूंढ के निकाला, कहती है मैं आपसे मिलना चाहती हूं। तो जब भी कोई बच्चा आता है मैं उसको सीधा एक टॉफी दे देता हूं। मैंने टॉफी दी, बातचीत शुरू हुई। मैंने कहा क्या करना चाहती हो? अच्छा, महाराष्ट्र की सब लड़कियां डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो कहती है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं। फिर मैंने कहा क्या तुम्हारे भाई बहन हैं? कहती है हां मेरा भाई है। भाई क्या करता है, तुम्हें तंग करता है? हां। लड़ाई होती है? हां। तो ये बातचीत चल रही थी। फिर उसने मुझे बोला कि मेरे भाई कभी कभी मुझे मारते हैं और मैं पापा मामा के पास जाती हूं और वो भाई को कुछ नहीं कहते। तो छोटी सी बच्ची, मैंने उसको कहा कि क्यों तुम्हारे माँ बाप भाई को कुछ क्यों नहीं कहते अगर वो तुम्हें मार रहा है? छोटी सी बच्ची कहती है क्योंकि वो उसको मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। सुनते हुए काफी दुख हुआ। छोटी सी बेटी है, होशियार, मगर
उसके माता पिता जिस प्रकार से बेटे को देखते हैं उस आंख से बेटी को नहीं देखते, इससे आपका प्रदेश कमजोर होता है। सही बोला गलत बोला? तो हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो पुरुषों से भी ज्यादा जरूरी हैं। और जो देश अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं करता वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। दिल की बात बोल दी, मगर अब मैं चल रहा हूं तो मतलब जो दिल में आ रहा है वो बोलना पड़ रहा है। तो यात्रा हमने शुरू क्यों की? शुरुआत में मैंने कहा प्रेस के हमारे मित्र हैं, मगर हमारी बात विपक्ष की बात, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, सब विपक्ष की बात दिखाते नहीं। देश में बीजेपी आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, डर फैला रही है। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, किसानों के जो काले कानून थे उसको लागू करने की कोशिश की। इनका लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता के दिल में डर डालने का है, भय डालने का है। किसानों से बात हुई, मैंने पूछा भाई बताओ क्या मुश्किल है? कहते हैं राहुल जी हम खेती करते हैं, अपना खून पसीना डाल देते हैं, मगर हमें यह नहीं मालूम कि हमारी गेहूं का, गन्ने का क्या रेट मिलेगा। सरकार हमसे गैम्बलिंग करवाती है, जुआ खिलवाती है। कभी कोई रेट मिलता है, कभी कोई और रेट मिलता है, मगर एक बात की गारंटी है, हमारे खेत से पैसा नहीं बनता है, हमें आमदनी नहीं मिल सकती है। तो हो क्या रहा है? देश में दो तीन बड़े उद्योगपतियों को अब देख लेना, ये जो फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट है, एयरबस का प्रोजेक्ट है, ये अंत में उन्हीं दो तीन लोगों के हवाले होगा जाएगा, उन्हीं को मिलेगा। वो तीन चार नाम है, आप सब जानते हो कौन है, दो तीन नाम है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं, और पूरा का पूरा धन हिंदुस्तान का सीधा इनके हवाले किया जा रहा है। और यह नहीं कि एक सेक्टर या दो सेक्टर, किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा है, एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, टेलीफोन, सब का सब इन्हीं तीन चार लोगों के हवाले किया जा रहा है। अब आप समझिए, आज मेरी मीटिंग में, कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ हमारी मीटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी गलती की। मैंने कहा क्या गलती की? कहते हैं नोटबंदी। मैंने उनसे कहा देखो बात समझो, नोटबंदी गलती नहीं थी, नोटबंदी उनकी स्ट्रेटजी है, उन्होंने कोई गलती नहीं की,
उनका काम जो छोटे व्यापारी हैं, और हर एक छोटा व्यापारी इस बात को समझ जाएगा, जो छोटे व्यापारी हैं, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, छोटे बिजनेस चलाते हैं, उनको खत्म करने का है। जीएसटी, नोटबंदी और कोविड के समय जो इन्होंने किया, ये गलतियां नहीं है। ये जो छोटा बिजनेस का सेक्टर है, इसको खत्म करने का तरीका है, क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को इनका बिजनेस नहीं मिल सकता। पहले इनको मारना पड़ेगा और फिर जो इनका है उनके हवाले करा जाएगा। और मेरी बात आप देखना, हर सेक्टर में यह होगा, एक सेक्टर नहीं छूटेगा। मगर इसका नतीजा क्या आएगा? नतीजा यह होगा कि इन सड़कों पे जो भी युवा मेरे से बात करेगा वो बेरोजगार होगा। पूरा का पूरा हिंदुस्तान बेरोजगार होगा। क्यों? क्योंकि बड़े उद्योगपति रोजगार नहीं देते। रोजगार 3-4 जगह से मिलता है। जो छोटे व्यापारी होते हैं, मिडिल साइज व्यापारी होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, ये रोजगार देते हैं। दूसरा, जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, सरकारी कंपनियां, ये रोजगार देते हैं। और फिर किसान और उनका पूरा जो सिस्टम है वो रोजगार देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रोजगार पैदा होता है। ये है। अब जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, उनको तो खत्म कर दिया, नोटबंदी से खत्म कर दिया, जीएसटी से खत्म कर दिया। जो सरकारी कंपनियां हैं, उनको सबकी सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, BHEL, रेलवे तक, तो वो भी रास्ता बंद हो रहा है। प्राइवेट नौकरी वाला रास्ता बंद हो गया, रोजगार वाला रास्ता बंद हो गया। सरकार में किसी को रोजगार नहीं देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम लगा रखा है, उसमें पता नहीं कब निकाल दें आपको 2 मिनट में। तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, डर बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। पहले यूपीए के समय 60 रुपए का पेट्रोल था, आज क्या रेट है? 110। डीजल का क्या रेट है? गैस सिलेंडर कितने का आता है? गैस सिलेंडर कितने का आता था पहले? उस टाइम नरेंद्र मोदी बोलते थे, देखो 400 रुपए का हो गया। आज एक शब्द नहीं बोलते, आज 1100 रुपए का हो गया, एक शब्द नहीं बोलते। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात नहीं करते? तो एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी। आपके दिल में डर आ रहा है, और डर को नरेंद्र मोदी जी बीजेपी और RSS नफरत में बदल रहे हैं, और उसको हमारे मीडिया वाले मित्र फैलाते हैं, दिन भर फैलाते हैं उसको। पैसा नहीं मिल रहा भैया, वो उनका है मीडिया। ये भैया किसानों का नहीं है, ये मीडिया जो है गलत फहमी में बताओ, ये मजदूरों का नहीं है, ये किसानों का नहीं है, ये छोटे व्यापारियों का नहीं है, ये उन्हीं 2-3 बड़े उद्योगपतियों का औजार है। और इसका काम हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का है, हिंदुस्तान में डर फैलाने का है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो हमारे जर्नलिस्ट भाई खड़े हैं ना, इनमें से एक नहीं करना चाहता, इनमें से एक नहीं करना चाहता, ये सब देशभक्त हैं, एक नहीं करना चाहता, मगर चॉइस नहीं है, नौकरी से निकाल देंगे।
तो ये है हालत है। तो देखो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देखो सबके सब मुस्कुरा रहे, देखो। तो इसीलिए हमने ये भारत छोड़ो यात्रा शुरू की है। मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं, पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। यहां पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है, 2 मिनट में देखते ही रह जाते हैं हम। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। क्या बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। वो तो सब है भैया, ईडी शीडी से कोई डरता नहीं है, बात समझ लो। अच्छा फिर नई चीज लाए मेरे साथ यहां पे इसी सड़क पे, मैंने कहा आपको देखो हिंदुस्तान के युवा 5 चीजें करना चाहते हैं, सुनो सुनो, हिंदुस्तान के युवा 5 चीजें करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? IAS, पुलिस, आर्मी, डॉक्टर। यहां पे बहुत सारे लड़के आते हैं, कहते हैं कि हम आर्मी में जाना चाहते हैं। पूछता हूं क्यों? हम देश की रक्षा करना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ने नया काम निकाला है, नहीं सुनो, मजे की बात सुनाता हूं आपको। अच्छा, देश की रक्षा करनी है ना, सिर्फ 4 साल कर सकते हो, उसके बाद आउट, अग्निपथ। 4 साल के बाद आप देशभक्त नहीं हो सकते। 4 साल आप सेना में काम करो, 6 महीने ट्रेनिंग मिलेगी और 4 साल बाद घर जाइए, माइक ऑफ। यह है अग्निवीर। आप किसी से भी पूछ लो, किसी युवा से पूछ लो, आर्मी वालों में डिसिप्लिन होता है कहेंगे नहीं, मगर दिल में है। तो चाइना की सेना आती है अंदर, एकदम माइक ऑफ हो जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोई अंदर नहीं आया। अच्छा, तो अंदर नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ किस बात की बातचीत कर रही है? 22 बार बातचीत हो गई, हमारी सेना कह रही है कि हमारी जमीन ले गए। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं नहीं, जमीन नहीं गई। नेगोशिएशन में चाइना के लोग कहते हैं कि भैया आपके तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जमीन नहीं गई। यह है हालत देश की, इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। और यात्रा में बड़ी अजीब सी बात हो रही है। और देखिए, आप सबसे पूछिए, पटोले जी बैठे हैं, चौहान साहब बैठे हैं, इनसे पूछिए। 6 बजे सुबह यात्रा शुरू होती है, 7 बजे शाम को खत्म होती है। थकान नहीं होती, 25 किलोमीटर चलने के बाद, नहीं मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, किसी को थकान नहीं होती। पूछो क्यों? नहीं क्यों, क्योंकि आपकी शक्ति के बल पर हम चल रहे हैं। आपके प्यार, आपका प्यार और आपकी शक्ति हमें श्रीनगर तक पहुंचा रही है, रोक नहीं सकता कोई। तो इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करना है, आपके बिना हम ये काम कर ही नहीं सकते। 3500 किलोमीटर चलना है, आपके बिना काम नहीं किया जा सकता। आप मदद कर रहे हो और फिर इन सड़कों पे अपना पूरा का पूरा ज्ञान फ्री में हमें दे रहे हो।
तो आप सबका दिल से धन्यवाद करना है। इतना आपने प्यार दिया, इतनी शक्ति दी, इसके लिए डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। और दूसरी बात सुनो, अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो, और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ, इसमें भाईचारा और प्यार फैलाओ। देशभक्ति करनी है, देशभक्ति देश को बांटने से नहीं होती। एक तरफ झंडे को सलूट मारा, दूसरी तरफ एक भाई को दूसरी भाई से लड़ा दिया, ये देशभक्ति नहीं है, ये देश को कमजोर करने का काम है। तो नांदेड़ महाराष्ट्र हिंदुस्तान के युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत और नफरत को अपने दिल से मिटा दो, और देश के लिए काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आज या ठिकाणी भारत जोड़ो यात्रेनिमित्त आलेल्या खासदार राहुलजी गांधी, पाटील साहेब, रजनीताई पाटील, अशोकरावजी चव्हाण साहेब, नानाजी पटोले साहेब यांचं मी सर्वांचं मनापासून आभार मानतो आहे।